खाना बन गया क्या? जी खाना भी तैयार हो गया, मेहमान भी आ गया। मेहमान? कौन से मेहमान? अम्मी और माँ भाई हैं। आंटी और माँ भाई हैं? जुनेद नहीं आया? जुनेद क्यों आएगा? उसकी भी साली का घर है, आ सकता है वो कभी भी। तो वो आए, किसने मना किया उसे? पता नहीं वो अवॉइड क्यों करते हैं हमारे घर आना। खैर मैं जाकर आंटी से मिल के आता हूँ। बेटा कैसी हो? अबू मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे बेटा मैं क्या सुनाऊं, मैं तो यहाँ घर में अकेला बैठा हूँ, अखबार पढ़ रहा था। तुम्हारी माँ और इमाम तो तुम्हारे घर गई हैं? जी जी वो पहुँच गए हैं, आप नहीं आए? अरे बेटी मैं क्यों आता, और मैं इस अतिया की खुशी में क्यों शरीक होता जो मेरी बेटी नूर को हमेशा तंग करती रहती है। बिल्कुल ठीक किया, अतिया खाला तो यहाँ ड्रामे करके खुद महारानी बन बैठी है और मुझे नौकरानी समझ रखा है। क्यों? बड़ी मक्कार औरत है आपकी साली साहिबा। अब्बू मैडम फारूकी को ऐसे मुट्ठी में किया है कि अब मैडम फारूकी मुझसे कहती है कि मैं अतिया खाला की खिदमतें करूँ। अरे बेटा कोई जरूरत नहीं है उसके नाज नखरे उठाने की, समझ गई? बस क्या करूँ अब्बू, आज ही मैंने पूरा दिन किचन में गुजारा। कभी बड़ी बहू के लिए जूस लाओ, कभी यखनी, कभी मीठा, कभी खट्टा, मेरी तो जिंदगी अजाब बना दिया उसने। मैडम मैं बात करता हूँ मैडम फारूकी से। अरे नहीं नहीं अबू मत बोलिएगा, पता है उसने फिर ऐसे ही कहना है कि मैंने उसकी शिकायतें लगाई। बस कुछ और दिन का खेल है, फिर साली साहिबा के ड्रामे का ड्रॉप सीन आ जाएगा। क्या मतलब बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। बड़ी बहू यानी अतिया खाला उम्मीद से नहीं है। क्या? अब वो बस प्लीज अम्मी को मत बताइएगा ये बात। असल में अतिया खाला की ना औलाद पैदा करने की उम्र निकल गई है, सब ड्रामे हैं उनके। अच्छा यकीन करें अबू मैंने अतिया खाला को लेडी डॉक्टर से बातें करते हुए खुद सुना। वो अपने शौहर और सास को इतना बड़ा धोखा दे रही है। और नहीं तो क्या, लेकिन अबू पता है मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मुझ पर कोई इल्जाम ना आ जाए। और इल्जाम? कौन सा इल्जाम? अभी कुछ नहीं कह सकती अबू, अभी भी मैडम फारूकी मुझे इतना कहती है कि अतिया कमरे में जाओ, उस खाना पीना करो, ख्याल रखो, लेकिन मैं उसे कमरे के करीब भी नहीं जाती, उसे खाने पीने को हाथ नहीं लगाती। बहुत अच्छा करती हो बेटा, मुझे कुछ कुछ तुम्हारे खौफ की वजह समझ आ रही है। अबू अम्मी को भी समझा दीजिएगा, आज शायद मुझे उनसे बात करने का मौका ना मिले। ठीक है बेटा ठीक है, वैसे तुम अतिया से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी माँ को मैं समझा दूंगा अगर उसने कुछ कहा। जी ठीक है अबू, थैंक यू। चले अबू मुझे खाने के लिए बुलाया जा रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, बस अपना ख्याल रखना।